हे गाइस, माय नेम इज़ आदिल और अभी हम लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और आज मैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अजमेर शरीफ का, और इंशाल्लाह आप लोग को ज़्यारत कराएंगे वहाँ की। और अभी हम लोग कानपुर सेंट्रल में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन है। और ये मेरी फैमिली है, तो चलते हैं। ट्रेन का वेट कर रहे हैं, ट्रेन आती है बैठते हैं, फिर आपको डिटेल्स देते हैं कुछ कानपुर के बारे में। सो गाइस, जैसे सारी कानपुर ट्रेन का जो हाल है वैसे ही कुछ हाल हमारे कानपुर का भी है। आधा घंटा गाड़ी लेट है। और बताइए रिजीन साहब, अरे इधर तो देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा, सेल्फी ले रहा हूँ हम लोग, ठीक है। मैंने सुना है आपकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप। चलो 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 चलो, बहुत तेज। हाँ, तो अब बोलो, बताइए आपको कैसा लग रहा है आप अजमेर शरीफ जा रही हैं? हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पी रही हैं? दूध। हाँ, तो आप अजमेर जा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है जीन? आपको अच्छा लग रहा है? बाकी के दो विकेट तो उधर गिर गए हैं। हॉट तो गाइस, कल रात बहुत थक गया था, मुझे आ गई नींद, इसलिए मैं कुछ ट्रेन पे सूट नहीं कर पाया, बट आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग अचनेरा पहुंच चुके हैं और ये रही हमारी ट्रेन। देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह। अजमेर शरीफ हम लोग पहुंच गए हैं, अजमेर शरीफ हम लोग पहुंच गए हैं और स्टेशन पे उतर के आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं।
बादाम वाले बाबा मिल गए हैं। सलाम अलैकुम। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में वापस। आज बड़ी बड़ी शख्सियत देखने को मिली। काजू बादाम वाले बाबा को भी देखा, जिनके हाथ नहीं वो बाइक चलाते हैं उनसे भी मुलाकात हुई। और हम लोग होटल में आ गए हैं और घर में अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ख्वाजा साहब के दरबार के बिल्कुल पास में हैं। फैमिली मेरी रेडी हो रही है अभी और मैं निकल आया हूं क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और आप सकते हैं सामने का माशाअल्लाह पूरा बाज़ार जो है वो सजा हुआ है। प्रशासन भी थोड़ा सा सख्त है यहाँ पे, होना भी चाहिए क्योंकि वायरस ऐसा चल रहा है। COVID-19 की गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए और बाबा मलंग लोग भी आ चुके हैं। इसे रिलेटेड मैं आपको ब्लॉग में शेयर कर दूँगा। और ये रास्ता है जाने का, बुलंद दरवाज़ा मेरे सामने है। मार्केट पूरी सजी हुई है और भाई साहब भूख भी बहुत तेज़ लगी। तो चलते हैं, देखते हैं चल के। नीली निकल आए हैं और अजमेर शरीफ की दरगाह की तरफ जा रहे हैं। और ये मेरी फैमिली, सब लोग लाइन से आ रहे हैं। हाँ खड़ा रहने दो, वो वीडियो नहीं बनवाते हैं। लेना अंदर है, दुकान मिल जाएगी, ज्यादा बोले ना। माशाल्लाह ये ख्वाजा करीम नवाज का गुंबद आप देख सकते हैं। अभी दरबार में
इतनी भीड़ नहीं है बट दरबार में भीड़ हो जाएगी। यहाँ पे जन्नती दरवाज़ा खुल चुका है और आज चांद रात है, चांद दिख गया है, चांद रात मुबारक हो। और कल इंशाल्लाह ख्वाजा साहब का सालाना उर्स मनाया जाएगा, तो दुआ करिए। और यहाँ से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहा होगा ख्वाजा करीम नवाज के सदक़े में दुआओं को कबूल अता फरमाए, नवाजी बोल। मस्जिद बनी हुई है तो आज आपको मस्जिद का भी वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कैसा है। तो और आपको अभी दिखाता हूँ ख्वाजा करीम नवाज का माशाल्लाह कितना नज़ारा है। सबको अदायगी अता फरमाए, तो आज यहीं से ब्लॉग का एंड।
भरी होगी।